मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूं हमारी नारी शक्ति हमारी युवा शक्ति हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो शत प्रतिशत पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी, इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में
इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और गमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।